हेलो गाइस, मेरा नाम है नईम अकरम और आप देख रहे हैं आपका अपना मोबाइल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल मोबाइल हॉस्पिटल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं और उसका रिव्यू करने वाला हूं। गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहां पर है हमारे पास काईसी का माइक्रोस्कोप जो कि है TX350। और आज की लेटेस्ट डेट के अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और इसका हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे और इसके परफॉर्मेंस को भी देखेंगे कि क्या इसकी परफॉर्मेंस है, कैसे काम करता है, हमारे हिसाब से भी बताएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसे बाय करना चाहिए या नहीं। सो गाइस, चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं। सो गाइस, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। और ये मेरे पास से ही रामराज रिपेयर टूल से मेरे पास आया है, जैसा कि आपको यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे गाइस, आप इस पे जाकर भी इनसे ये ऑर्डर कर सकते हैं। प्लस इनकी वेबसाइट भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। सो गाइस, अभी आप देख रहे हैं मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ और यहाँ पर हम इसकी फुल अनबॉक्सिंग कर लेते हैं गाइस, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, इसके साथ आप देख सकते हैं, सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं, इसके साथ हमें एक लेटर मिला है, थैंक यू लेटर। और इसको हम साइड कर देते हैं, इस पे क्या लिखा है बाद में पढ़ेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये स्टैंड है इसकी, जो कि इसके अंदर 3 असेंबल करने के होल्स दिए हुए हैं जिसको हम असेंबल कर सकते हैं माइक्रोस्कोप को। और इसके अंदर कुछ मैनुअल दिए हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी कंडीशन में मैनुअल हमारे पास आए हैं, जो कि माइक्रोस्कोप को जैसे सेट करें इस बारे में दिया हुआ है इंग्लिश और चाइना लैंग्वेज में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा ये 0.7x लेंस है, इसको हम दिखाते हैं आपको गाइस। ये आप देख सकते हैं 0.7x लेंस, जो कि हमारी ही हमने ही ऑर्डर किया था। इसमें आपके पास जो है चॉइस होती है, आप 0.5 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल पेन, जो कि अभी लेटेस्ट चीज है गाइस, ये हमारे माइक्रोस्कोप में लग जाता है और जो हमारा स्मोक होता है उसको ये एक चिमनी होती है, जैसे आपने किचन में देखा होगा उस टाइप से ये काम करता है, जो स्मोक है उसको निकाल देता है एक फैन की तरह, एग्जॉस्ट फैन की तरह। सो गाइस, इसको साइड करते हैं। ये हमारा कैमरा लेंस है गाइस, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कि हमारा कैमरा लेंस है, ये कैमरे के लिए है गाइस। यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो रिंग लाइट है हमारी, इधर दिखा, इधर इधर दिखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग लाइट भी अच्छी क्वालिटी में है। यहाँ पर इसको अलग कर देते हैं। अब हमारा मेन माइक्रोस्कोप, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा मेन इसका माइक्रोस्कोप का कवर है गाइस, इसके अंदर माइक्रोस्कोप हम असेंबल करेंगे, जो हमारा रॉड में असेंबल होगा, ये रही हमारी रॉड। और गाइस, ये है हमारा माइक्रोस्कोप, प्लस ये हमारा लेंस प्रोटेक्टर है, और ये जो है हमारे आई कैप्स, जो आई कैप्स हैं वो है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये है हमारे जो हम हमारा व्यू को सेट करते हैं उसके लिए, इसके अंदर हमारे लेंस लगे हुए हैं गाइस, ये भी हमारे आई सेट में आता है। तो गाइस, हम इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इसकी परफॉर्मेंस। गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपको कि हमने जो हमारा बेस है वो जो हमारे माइक्रोस्कोप के साथ आया है, काईसी का बेस है, अच्छा बेस है गाइस, बट मैं इसको यूज़ नहीं करते हुए गाइस, जो मेरा पुराना बेस है मैं उसको ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये मुझे बेस्ट लगता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसका असेंबल कर दिया है, और मैं बाकी का भी असेंबल आपको करके बताता हूँ पूरी चीज़। सो गाइस, आप देखते रहिए, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। Gracias.
सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो असेंबल हो चुका है और आपको दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है गाइस। मुझे ये कैसा लगा पर्सनली और आप देख लो, पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके पिक्चर क्वालिटी क्या है, इसकी जूम क्वालिटी क्या है। सो गाइस थोड़ा सा करीब में आइए और दिखाइए जरा। मैं कैमरा को लेंस पर लगा कर दिखाऊंगा आपको। सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी मेरे पास इसका स्टैंड नहीं है लगाने का, इसलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। गाइस कैमरा क्वालिटी बहुत जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही गजब की है गाइस। आप देख सकते हैं लेंस क्या क्वालिटी आ रही है। इससे पहले मैं यूज़ करता था वो भी शायद काइसी का ही माइक्रोस्कोप था, बट उसमें ऐसी क्वालिटी नहीं थी गाइस। ये एडवांस लेवल पे माइक्रोस्कोप है और इसकी जूम क्वालिटी भी मैं आपको दिखाता हूँ कितना हम जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको फिर से सेट कर लेता हूँ और गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैं जूम कर रहा हूँ। हमारे मोबाइल में भी इतना अच्छा दिख नहीं पा रहा है। अगर कोशिश करूँगा मैं आपको कैमरा में दिखाऊंगा जो हमारा माइक्रोस्कोप है। सो गाइस मैं कोशिश करूंगा कि आपको कैमरा में दिखाऊँ, कैमरा असेंबल करके बताता हूँ इसके अंदर के। सो गाइस जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी आपको माइक्रोस्कोप का व्यू दिखा दिया है और अब हम आपको एलईडी में दिखाते हैं कि एलईडी में कैसा व्यू आ रहा है कैमरा का। हमने कैमरा इंस्टॉल कर दिया है गाइस। सो गाइस मैं आपको एलईडी में दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं और गाइस इसके अंदर 50x जूम है शायद, जहां तक मेरी जानकारी है। और आप देख सकते हैं कि जूम हम इसको स्लोली जूम कर रहे हैं धीरे धीरे। और आप देख सकते हैं अभी मैं बोर्ड की कनेक्टर की पोजीशन चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर व्यू मिले। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैं अभी और इसको जूम करूंगा। हो सकता है हमारे कैमरा में इतनी अच्छी क्वालिटी आपको नजर नहीं आ रही हो, बट यहाँ पर जो क्वालिटी हमें दिख रही है ना गाइस वो आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर पॉइंट नजर आ रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको एलईडी का व्यू दिखा रहा हूँ गाइस। सो गाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये माइक्रोस्कोप बाय करना बनता है नहीं बनता है, सो गाइस आप इसको बाय कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप है गाइस और इसे लेना फायदेमंद ही रहेगा गाइस, क्योंकि मुझे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा लगा। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सेम इंटरेस्टिंग मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सलाम वालेकुम।